दिसंबर को सुखदेव सिंह जी की हत्या को पूरा 1 साल हो जाएगा, तो प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर शीला सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना कार्यकारिणी के जितने भी पदाधिकारी हर जिले वाइज हर स्टेट में जहां पर भी हैं, वह 5 दिसंबर के लिए जो आह्वान कर रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि सुखदेव सिंह जी राजपूत समाज के ही लीडर नहीं थे, वह सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सर्व समाज को साथ लेकर के चलते थे। 36 कौमों की बात करते थे, गाय की बात करते थे, धर्म की बात करते थे, बहन बेटियों की बात करते थे और उनके लिए आवाज़ भी उठाते थे। तो सर्व समाज को इस आपके माध्यम से आमंत्रित किया जा रहा है कि आप 5 दिसंबर को गोगामेड़ी पहुंचे और उनको प्रथम पुण्यतिथि पर वहां पहुंचकर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। 5 दिसंबर गोगामेड़ी के लिए ही आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है, इसमें सर्व समाज के लोग यहां पर हमारे साथ में आएंगे भी, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भी हमारे पंकज जी जोशी साथ में बैठे हैं जो शुरू से ही उनके साथ में रहे हैं। और न्याय की जहां तक बात है, सर्व समाज के द्वारा राजस्व वो पूरे भारतवर्ष से जितने भी पदाधिकारी और सर्व समाज के लोग वहां पर पहुंचेंगे उनके द्वारा आपस में वार्ता करने के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा कि सरकार पर किस तरह से आगे की दबाव बनाना है, किस तरह से जो आज तक उन्होंने हमें आश्वासन दिया है उन बातों को नहीं मानने पर आगे हमें क्या करना है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं, यह सर्व समाज की जब बात हो रही है। 36 कौमों को वो साथ लेकर के चलते थे, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, तो सबके सहयोग की और सबके विचारों के माध्यम से ही ये आगे का निर्णय लिया जाएगा। 1 साल में कई लॉरेंस के जो नए अनुभव उन्हें भी पकड़ लिया गया, लेकिन सुखदेव जी की तो आप बता रहे हैं कि साजिशकर्ता और षड्यंत्रकर्ता जिन्होंने ये नीति जिन्होंने ये चाल चली है, जिन्होंने ये षड्यंत्र बनाया था कि हमें इस तरीके से इनको इनका अंत करना है वहां पर जाके, उनका कहीं पर भी आज तक हवाला नहीं दिया गया, उनका नाम सामने नहीं लाया गया। तो मीडिया के माध्यम से हम यही राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जो साजिशकर्ता और षड्यंत्रकारी है उनका भी नाम सामने आए, उनका खुलासा होना चाहिए। अभी 5 दिसंबर को मैं इन्वाइट करती हूँ, जैसे कि दलीप जी ने आपको बताया, तो अभी तो सिर्फ हमारा एक ही फोकस है कि हम 5 दिसंबर को सभी को इनवाइट करें और जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की जो मूर्ति लगने जा रही है उस पे ध्यान रखें और सभी सर्व समाज के भाई हैं बहन हैं सभी को आपके थ्रू इनवाइट करें। क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं न्याय नहीं मिल पाया है, क्या लगता है सरकार से आपकी कुछ बातचीत हुई? देखिए 1.5 महीने पहले जो 4 सीट पेस हुई है, 4 सीट पेश होने के बाद में जो गोल्डी बराड और रोहित गोदारा नाम करके 2 कुख्यात अपराधी हैं जो अभी फिलहाल पहले कनाडा में बताए जा रहे थे लेकिन वो दुबई में हैं, सरकार ने हमें आश्वस्त किया है कि नवंबर या दिसंबर, नवंबर तो चलो लास्ट ही है, दिसंबर तक उन लोगों को भारत लाया जाएगा और भारत लाने के बाद में या तो उनका एनकाउंटर होगा या फिर उनको फांसी दी जाएगी। नहीं अभी तो देखिए फिलहाल तो हमारा ये वोटों की तरफ या राजनीति की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, हम 5 दिसंबर का हमारा जो फोकस है फर्स्ट पुण्यतिथि सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की, उस पुण्यतिथि को मनाना चाहते हैं और लोगों को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है जो सर्व समाज पर न्यौछावर हुए हैं उनका ये बलिदान कोई न भूले, वो सभी याद रखे। गोगामेड़ी जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके जघन्य हत्याकांड को 1 वर्ष 5 तारीख को दिसंबर को हो जाएगा, मगर वही कुछ प्रश्न खड़े हैं जिनका जवाब कि मास्टरमाइंड कौन था इस हत्याकांड के पीछे और असली अपराधी कब गिरफ्तार होंगे, उनको कब सजा मिलेगी। सुखदेव जी न केवल राजपूत समाज को जो इन्होंने एकत्र किया बहुत बड़े पैमाने पर, पूरे राज्य भारतवर्ष में उन्होंने संगठन खड़ा किया, राजपूत समाज खड़ा किया, उसके अलावा वो ब्राह्मण समाज अदर जितने भी समाज में लोकप्रिय नेता थे और एक तरीके से सामाजिक इतनी बड़ी क्षति हुई है हिंदू धर्म को कि मैं ये मांग करता हूँ ब्राह्मण समाज की तरफ से कि उनको न्याय दिलाया जाए। जब सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी जैसा इतना बड़ा आदमी जो सामाजिक राजनीतिक रूप से इतना मजबूत थे, वो उनका इस तरीके से हत्याकांड भी घर में घुस के हो गया, तो आम आदमी को क्या सुरक्षा मिलेगी? तो मैं हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ, उपचुनाव भी बीत चुके हैं, अब वो इस मामले में तेजी से लाएं और अपराधियों को मतलब उनके परिणाम तक पहुँचाएं। इसके अलावा जो परिवार है उनका उनकी तरफ भी सरकार ध्यान दे।